Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. इस्माइल है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट सेशन की। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसके आंसर्स करने हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ भी चुका है, जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट न करते हुए हमें अपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हमारे पास आज मिक्स बैग है, स्पेशली क्लैरिकल मेंस को लेकर मैंने ये सेट बनाए हैं। 100 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे और आपको उसके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है और आंसर देना आप शुरू कर सकते हैं। क्या इसका आंसर होगा? देखिए, यहाँ पे रामफल पवार की बात हो रही है कि जो कि डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं NCERB में, तो NCERB का फुल फॉर्म क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। NCERB का फुल फॉर्म बताओ। NCERB मैंने बताया हुआ है क्या है फुल फॉर्म यहाँ पे, और यहाँ पर आंसर आने लगे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में ये बने हैं डायरेक्टर। देख लीजिए, आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने यहाँ पर आ चुका, देखिए, हर्षवर्धन श्रृंगला अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू दिस कंट्री रिप्लेसिंग नवतेज शर्मा। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो है वो किस देश के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और आपको इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर होने वाला है? तो गाइज यहां पर देख लीजिए और आपको इसका आंसर देना है। और अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आपको लास्ट तक बने रहना होगा। बिल्कुल लास्ट में मैं जब सवा क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं PDF कमेंट में दे दूंगा, आपको तुरंत डाउनलोड कर लेना उसे, ठीक है? चलिए, और आंसर क्या होगा? आंसर इज USA। USA इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट अपॉइंटेड दिस पर्सन एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम रिप्लेसिंग एस रमेश। हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको ये सेशन वाकई में बहुत मजा आएगा, बस आप बने रहिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया इस पर्सन को एज अ चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। क्या इसका आंसर होगा ये आपको देना है। और यहाँ पर सोना अरविंद का आंसर भी आ चुका, प्रणव कुमार दास इज राइट आंसर, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू Our next question. Government appointed Aarti Chabra Srivastava as first full-time chief vigilance officer of which organization for 3 years? तो सरकार ने आरती छबरा श्रीवास्तव को किस किस बॉडी में एज अ चीफ विजिलेंस ऑफिसर अपॉइंट किया है नेक्स्ट 3 years के लिए, आपको यह बताना है। नाम याद कर लीजिए, आरती श्रीवास्तव या आरती छबरा श्रीवास्तव। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया किस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ चीफ विजिलेंस ऑफिसर, आपको देना है। क्या इसका आंसर होगा? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप लोग बताइए और आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? यहाँ पे लोग अपने मन से आंसर दे रहे हैं, एंड राइट आंसर इज सेबी, सेबी इज राइट आंसर। कुछ बच्चे सही भी आंसर दे रहे हैं। याद रखो, 3-4 दिन के बाद एग्जाम है, उसके बाद NISCL का भी एग्जाम है, ये सेशन दोनों एग्जाम के लिए काफी जरूरी है, ठीक है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि एंड्री रोजेलिना वॉन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। तो नाम देख लिए फिर से यहां पर, एंड्री रोजेलिना ये किस देश की प्रेसिडेंट बनी है ये आपसे पूछा गया है। वी है 5 ऑप्शन और आपको इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा? हमारे सामने 5 ऑप्शन है गाइस, बने रहिए हमारे साथ। आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वास्तव में मिलेंगे, आपको PDF की जरूरत पड़ेगी और PDF के लिए आपको 100 क्वेश्चन तक बने रहना है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आपके चैट बॉक्स में मैं आपको PDF पिंग कर दूंगा, ठीक है? और आइए इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। हाँ, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ ने गलत दिया था, एंड राइट आंसर इज मेडागास्कर। मेडागास्कर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड विच पर्सन एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अलोंग विथ फोर न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनके नाम नीचे दिए हुए हैं, वो आप बाद में पढ़ लीजिएगा, बस आप मुझे ये बताइए न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं। चीफ ऊपर होते हैं उसके बाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर नीचे होते हैं, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए? आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। अरविंद वीडियो आपकी आ रही होगी, आप रिफ्रेश कर लें एक बार बेटा, ठीक है। एंड राइट आंसर इज सुधीर भार्गव, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने, देखिए यहां पर, तो विच पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की फॉर 2018 व्हाइल उदय शंकर इज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। उदय शंकर जो है ये वाइस प्रेसिडेंट फिक्की के अपॉइंट हुए हैं, तो कौन अपॉइंट हुआ है प्रेसिडेंट, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, क्या इसका आंसर हुआ, देख लीजिए। गुड इवनिंग बेटा, सब जल्दी ले आइए, जुड़िए, बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, हम लगभग सारे पॉइंट को कवर करने वाले हैं। क्या इसका आंसर होगा? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संदीप सोमैनी। संदीप सोमैनी इज राइट आंसर। और नीचे देखिए यहां पर, तो उदय शंकर जो है ये अपॉइंट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट अपॉइंटेड दिस पर्सन एज द चेयरपर्सन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो गवर्नमेंट ने इस पर्सन को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का। वी हैव 5 ऑप्शन और आपको सही आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा? मैं गारंटी लेता हूं ये कमाल का सेशन होने वाला है, बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, देखिएगा अच्छे अच्छे पॉइंट। एंड द राइट आंसर इज वैशाख, आप पूछ रहे हैं कि इस सेट में क्लर्क से कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये तो हम बोल नहीं सकते, बट हम ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट। अगर वाकई आपने ये पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लिया तो ये मेरी गारंटी कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन आपको पूरा पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम दे रहे हैं आज, देखिएगा। एंड राइट आंसर इज नागेश्वर राव गुंटूर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड UIDAI CEO, आपको इनका नाम बताना है, एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी सक्सीडिंग हसमुख अधिया। तो आपको इसका आंसर देना होगा। और देखिए, सुमंता चौधरी इज अपॉइंटेड एज द न्यू कोल सेक्रेटरी। सुमंता चौधरी न्यू कोल सेक्रेटरी भी अपॉइंट हुई है, यानी हर क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। आपको दूसरी इंफॉर्मेशन तो हम दे ही रहे हैं और एक इंफॉर्मेशन देखिए, तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड UIDAI CEO, नाम इनका एज अ सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू। एंड द आंसर इज हां, अजय भूषण पांडे, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, प्रणय कुमार मुसाहारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस स्टेट फर्स्ट लोकायुक्त। तो ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले भी, तो प्रणय कुमार मुसाहारी जो है ये किस स्टेट के बने हैं चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट लोकायुक्त, देख लीजिए क्या इसका आंसर होने वाला है। यहां पर आ रहे हैं प्रिंस कुमार जी, बिल्कुल आपके नाम में ही प्रिंस है, आप तो प्रिंस है भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं, आंसर दे क्या इसका आंसर होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय इज राइट आंसर। तो देख लीजिए मुसाहारी मेघालय दोनों मिलता है, इस तरह आप कहानी बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हमने इस पीडीएफ में आपको दिया हुआ है लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट दिसंबर, जो बहुत सा दिसंबर के जितने भी अपॉइंटमेंट बेटा है वो हमने खास तौर से आपके लिए यहां पर बनाए हैं, और पीडीएफ में एक बार आप डाउनलोड करके निगाह मार लीजिएगा, पूरा दिसंबर का अपॉइंटमेंट एक साथ कवर कर देंगे हम, ठीक। ये बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन है, इसके बाद देखिए एक स्लाइड और आएगी जहां पर हमने और भी इंफॉर्मेशन दी है। तो दिसंबर के अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड के लिए आपको रुकना पड़ेगा 100वें क्वेश्चन तक, ठीक। चलिए देखिए एक स्लाइड आपके सामने और आ रही है, अभी और क्वेश्चन बचे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बचेंगे आपको, हमने दिसंबर मतलब आप पढ़िएगा आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। चलिए लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट नवंबर भी मैंने दिए आपको, नवंबर दिसंबर और नवंबर में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उसकी लिस्ट आपके सामने यहां पर है, आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन, तो ऑथर आपको इनका नाम बताना है, ऑनर्ड विद द 54th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2018 एंड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। तो सिंपल पूछा गया है कि 54th ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 किसको मिला, ये आपको बताना है। सत्तू थैंक यू सो मच बेटा। चलिए मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, और आइए और मेरे आइस क्वेश्चन दीजिए। चलिए तो किसको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड 54th, ये आपको बताना है। एंड द राइट आंसर इज अमिताभ घोष, अमिताभ घोष इज राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपके सामने, तो विच स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्ड इट्स एनुअल तानसेन सम्मान अपॉन एमिनेंट सितार प्लेयर मंजू मेहता। देखिए मंजू मेहता को तानसेन सम्मान मिला है, इस क्वेश्चन में आपको आंसर मिल गया। ये तानसेन सम्मान कौन सा स्टेट गवर्नमेंट देता है, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है। वी है 5 ऑप्शन, क्या इसका आंसर होगा देख लें यहां पर। एंड द राइट आंसर इज
And the right answer is option number D, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh government Tansen Samman देते हैं और ये मिला है इस बार का मंजू मेहता का जो कि सितार प्लेयर है. चलिए हो गया ये क्वेश्चन. हाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state Chief Minister N. Biren Singh has been conferred Champions of Change Award by Vice President M. Venkaiah Naidu for his good governance practices? यानी किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को नाम आपको बताया गया है एन बीरेन सिंह. यानी एन बीरेन सिंह किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिनको अभी चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया, ये आपसे पूछा गया. सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा. एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मणिपुर. मणिपुर इज राइट आंसर. बिल्कुल सही, मणिपुर सही आंसर हमारा है. आपस में बातचीत नहीं जी अभी, नहीं बिल्कुल नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आपके सामने फिर से आ चुका देखिए. यहाँ पे बोला गया है उस्ताद अमजद अली खान हैज बीन प्रेजेंटेड विद सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट. यानी ये पॉइंट आपको पता होगा मेरे ख्याल से, हमने खुद के अवार्ड के सेक्शन में ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं. तो आपसे पूछा गया है कि उस्ताद अमजद अली खान जो है वो क्या बनाते हैं. देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले भी, तो मैंने लैंग्वेज को चेंज किया है. लैंग्वेज चेंज करके आपको दिया है ताकि आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए. कॉन्सेप्ट को समझिए, स्ट्रेटेजी को समझिए. और इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सितार. सितार इज राइट आंसर. ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस क्वेश्चन की भाषा चेंज की गई है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो रिनाउंड फ्लूटिस्ट पंडित केशव गिंडे सेलेक्टेड एज रेसिपिएंट ऑफ 2018 भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर क्लासिकल म्यूजिक बाई विच स्टेट गवर्नमेंट. हो क्वेश्चन की भाषा कैसे चेंज हुई है. ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ कि पंडित केशव गिंडे को ये अवार्ड मिला, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अवार्ड. तो अब यहाँ मैंने पूछ लिया कि ये कौन सा स्टेट गवर्नमेंट देता है. तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करें करीब एक महीने से, तो आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ये तो तय है. और इसका आंसर क्या होगा. एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज राइट आंसर. दोस्तों आगे बढ़ते हुए 16 क्वेश्चन की बात करेंगे. देखिए तो विच एक्टर हैज बीन अवार्डेड थर्ड सयाजी रत्न अवार्ड एस्टैब्लिश्ड बाय बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन इन मेमोरी ऑफ इस्टवाइल बड़ौदा रूलर सयाजी राव गायकवाड़ 3. ये भी मैं पढ़ा चुका हूं अपने करंट अफेयर्स क्लास में. तो किस एक्टर को मिला है थर्ड सयाजी रत्न अवार्ड, और आपको ये नाम पता होगा, रिश्ते में तो ये आपके या हमारे शहनशाह लगते थे. इनका नाम क्या है, इनका नाम है अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन इज राइट आंसर. बिल्कुल सही आपने दिया आंसर. आगे बढ़ते हुए 17 क्वेश्चन की बात करेंगे आपके सामने. फॉर विच फील्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अवार्ड सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अवार्ड. तो आपसे पूछा गया है कि किस फील्ड में हमारी गवर्नमेंट है वो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अवार्ड देती है. आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए. और इसका क्या आंसर होगा, यहाँ पे 5 ऑप्शन हमारे पास है. एंड द राइट आंसर इज, तो राइट आंसर हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है. सही आंसर क्या होगा. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट इज राइट आंसर. दोस्तों आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. 18 क्वेश्चन आपके सामने देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड बेस्ट कैपिटल सिटी इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रैंकिंग. तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रैंकिंग में किस स्टेट को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेस्ट कैपिटल सिटी का अवार्ड मिला, यह भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले भी. एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद. हैदराबाद इज राइट आंसर. वेरी गुड, फैंटास्टिक. हैदराबाद इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which company won the CII Exim Bank Business Excellence Award? तो किस कंपनी को CII Exim Bank Business Excellence Award से सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा गया है. हमारे सामने 5 ऑप्शन है, क्या इसका आंसर होगा, और क्या इसका आंसर होगा. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 BEL. तो BEL, तो इसको मिला है आपका CII Exim Bank Business Excellence Award. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. हमारे सामने 20th क्वेश्चन. नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच वॉन द 2018 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट. ये भी हम लोग कर चुके हैं और पक्का हमें याद होगा. यहां पर 5 ऑप्शन हमारे सामने है, क्या इसका आंसर होने वाला है. And the right answer is option number 2 CSC, है ना. ये सब पढ़ाया हूं मैं, CSC is right answer, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हुए next question की बात करेंगे. next question नहीं देखिए, तो अब दिसंबर में कौन कौन से अवार्ड बांटे गए हैं एक बार उसकी नजर देख लें. आपने देखा स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हमने अपॉइंटमेंट के किए थे, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हमने अवार्ड के किए, और मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी थी. तो यहां पर स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018 दिया गया दिसंबर में, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पूरी आपको दी है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको हमने
हमने क्या दिया है, आपको याद होगा ना, पार्लियामेंट्रियन अवार्ड दिया गया दिसंबर में, तो हमने इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ के आपको हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, 23rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला हुआ था ना जी, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है। इवन मैंने अपने करंट अफेयर शो में भी ये सब कराया हुआ है पॉइंट, और आपको यहां पर दे रहे हैं दिसंबर के पूरे अवार्ड्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए अदर अवार्ड भी दे रहे हैं, इसके अलावा जो मिसलेनियस अवार्ड है छोटे मोटे, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, आप चाहे तो इसे हमारे पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, जल्दी जल्दी आप कवर कर लेंगे सारी चीजें, ठीक है, देख लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट भी है मतलब पूरे नवंबर दिसंबर के अवार्ड हमने आपको दे दिए यहां पे, ठीक। लिस्ट ऑफ अवार्ड इन नवंबर, अब नवंबर शुरू हो रहा है, वहां पे क्या था दिसंबर था, अब नवंबर शुरू हो रहा है, और यहां पर हम इंडस्ट्रियल अवार्ड की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल अवार्ड जो बांटा गया इस बार का, वो देखिए इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है यहां पर, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा इसे। आगे देखिए एटीपी वर्ल्ड टूर टेनिस अवार्ड 2018 नवंबर में हुआ, तो हमने इसकी भी इंफॉर्मेशन अलग से आपको दी है, ताकि आप इसे जल्दी जल्दी रिवाइज कर ले हमारे पीडीएफ से, और पीडीएफ के लिए आपको बने रहना है हमारे 100वें क्वेश्चन तक, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और 21 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द कंट्रीज लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी, देखो अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया, अब बिजनेस फाइनेंस की बात करेंगे, और चूंकि बिजनेस फाइनेंस आपके एग्जाम में ज्यादा आता है, तो 20 क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हम लेंगे। चलिए तो हमारे देश में सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है, ये मैं पढ़ा चुका हूं अपने करंट अफेयर शो में, और आपको ये बात समझनी है कहां से प्रकाश हुआ। चलिए पहले इसका आंसर दे दीजिए, क्या इसका आंसर है, आप पीडीएफ से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, क्या इसका आंसर होगा, एंड द राइट आंसर इज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये हमारा सही है, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 22वां क्वेश्चन, विच कंपनी एमर्ज एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन 17-18, तो 2017-18 में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो कंपनियां हैं उसमें मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है, और आपको इसका आंसर, ठीक है सरोद वादक होगा यार, ठीक है थोड़ा समझो, इतना पॉइंट बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, और मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी, तो आंसर कंफर्म कर लेना यार, बार बार कमेंट करने का मतलब नहीं उसका, क्या इसका आंसर होगा, एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन is right answer. Our next question, which company conferred with National Energy Conservation Award 2018 recently? तो किस कंपनी को National Energy Conservation Award 2018 मिला है, ये आपसे पूछा गया, और आपको इसका आंसर देना है, हमारे सामने चार ऑप्शन है, what is the right answer, and the right answer is option number D, CRI pumps, CRI pumps is right answer, यहां पर देख लीजिए, ये आपको हमने दे दिया इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यहां पर आ रहा है, और हाँ जी हाँ, चलिए नेम द कंपनी हु हैज पार्टनर्ड विद सेल्फ ड्राइविंग रेंटल कार फर्म जूम कार टू ऑफर द इलेक्ट्रिक वर्जन इन पुणे, आपको इसका आंसर भी देना है, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहां पर 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर क्या होगा, एंड द राइट आंसर इज टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स इज राइट आंसर गाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंपनी साइंड एन एमओयू विथ FISME टू एम्पावर MSME सेक्टर, तो इसमें से किस कंपनी ने फिस में से एग्रीमेंट किया है MSME को एम्पावर करने के लिए, मतलब उनके प्रोडक्ट को अपने पोर्टल के थ्रू बेचने के लिए, क्या इसका आंसर होगा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमेजन इंडिया, अमेजन इंडिया इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत लोग क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, Which airline become first Indian airline to have 200 aircraft? तो हमारे देश की कौन सी एयरलाइन पहली एयरलाइन बन गई है जिसके पास 200 एयरक्राफ्ट का अपना बेड़ा है, यहां पर चार ऑप्शन आपके पास है, व्हाट इज द राइट आंसर, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इंडिगो, इंडिगो इज राइट आंसर। जल्दी चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिगो की बात कर रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप सामने Paytm and this insurance company join hand to offer online insurance premium payment, ठीक है, Paytm ने इस insurance company के साथ agreement किया है online insurance premium payment के लिए, आपको बताना है, चार option यहाँ पर है, what is the right answer, and the right answer is option number C, LIC, Life Insurance Corporation is right answer, option number C is right answer। दोस्तों आगे बढ़ते हुए next question की बात करेंगे, देखिए What is the GDP rate of India for the year 2018-19 as per the report of the World Bank? तो World Bank के report के हिसाब से India की GDP growth rate 2018-19 में कितनी रहेगी, ये आपसे पूछा गया है, और इसका answer क्या होगा? ऐसे question खूब देखने को मिलेंगे आपको आपके exam में, and the right answer is option number B, 7.3%, 7.3% is right answer। दोस्तों आगे बढ़ते हुए और तेज चलेंगे, next question की बात करेंगे, हमारा next question हमारे screen पर यहाँ पे आ रहा है, देखिए Paytm LIC, ठीक है,
As per latest estimate of Central Statistical Office, what is the rate of Indian economy for financial year 19? तो CSA को हिसाब से हमारे जो financial year 19 है, उसमें हमारी growth rate कितनी रहने वाली है? ये आपसे पूछा गया है. 5 option आपके पास हैं. And the right answer is option number A, 7.2%. 7.2% is right answer, guys. यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है? तो 7.2% is right answer. आगे बढ़ते हुए next question की बात करते हैं. आपके सामने देखिए 30th question. Government allocate rupees this amount crore for development of 40 satellite launch vehicle for the next 4 year. ये मैं अपने current affairs show में पढ़ा चुका हूँ और आपको इसका answer देना है. क्या इसका answer है? Option number यहाँ पे 4 है. And the right answer is option number A, 10,900 crore. 10,900 crore is right answer. आगे बढ़ते हुए next question की बात करते हैं. आपके सामने देखिए. India has cut import taxes on crude and refined palm oil for Asian countries from 44% to how much percent? तो India ने Asian country से crude और refined जो palm oil है, इसको जो purchase करते हैं, उसमें import tax को 44% से कितना मतलब कर दिया? ये आपसे पूछा गया है. And the right answer is 40%. 40% is right answer. Option number D is right answer. ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हमारे सामने देखिए, एज पर द CII रिपोर्ट टाइटल ग्रोथ आउटलुक फॉर 2019, व्हाट इज द GDP रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 19? तो CII के हिसाब से इंडिया की ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 19 में कितनी रहने वाली है, ये आपसे पूछा गया है. यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है. एंड द राइट आंसर इज 7.5%. देखिए, ये सारे क्वेश्चन एक साथ मिल नहीं पाते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि इन सारे क्वेश्चन को एक साथ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपका अच्छा रिविजन हो जाए. ये हमारी एक कोशिश ही है बस केवल, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. फॉर विच फील्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अवार्ड सुभाष. एक मिनट, सॉरी, हम वापस आते हैं और आपको अपना फिर से नया क्वेश्चन दिखाएंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्वेश्चन आ रहा है, परेशान मत होइए यहाँ पर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द स्टॉक मार्केट? तो इंडिया का शेयर मार्केट में स्थान कौन सा है, ये आपसे पूछा गया. ये क्वेश्चन याद शुरू करना, ठीक है? 30th क्वेश्चन, तो शेयर मार्केट में जो भी कैपिटल है उसमें इंडिया की रैंक कितनी बन गई है, मतलब इंडिया कौन से नंबर का शेयर मार्केट बन गया है. एंड द राइट आंसर इज, हाँ ठीक है, कनिष्ठा जी हो गया, सही हो गया. वापस आइए और इसका आंसर दीजिए. क्या इसका आंसर होगा? देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द स्टॉक मार्केट, यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है. जी हाँ, आ गया. और आंसर क्या इसका? इसका आंसर है 7. तो इंडिया 7th नंबर का देश बन गया है इस स्टॉक मार्केट में कैपिटल कितना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिपोर्ट ऑफ IMF, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2019? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन साथ में नहीं मिलते जल्दी, तो हमने ये सेशन इसीलिए बनाया है कि आपको एक साथ पूरा रिविजन हम करवा दें. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 7.4%. 7.4% इज राइट आंसर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है. देखिए, एज पर द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ UNCTAD, व्हाट इज द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर 2018? तो UNCTAD जानते हैं आप लोग, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो इसके हिसाब से इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी होगी 2018 में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7.0%. 7% मतलब हो गया इसका आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आपके सामने, उद्यम अभिलाषा अ नेशनल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंपेन इज लॉन्च बाई, मतलब कि इनमें से किसने एक नेशनल लेवल का कैंपेन लॉन्च किया था एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इसका नाम था उद्यम अभिलाषा. आपको इसका आंसर देना है. व्हाट इज द राइट आंसर? एंड राइट आंसर इज सिडबी इज राइट आंसर. उद्यम अभिलाषा, सिडबी याद कर लेना, एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन प्लान टू इन्वेस्ट इन द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड एक्सेस टू ऑल सिटीजन बाई 2022. यानी गवर्नमेंट चाहती है कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के थ्रू वो 2022 तक कितने पर्सन को लोगों को डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के थ्रू ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कर दे, ये है पूछा गया है. क्या इसका आंसर होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, $100 बिलियन. तो $100 बिलियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली, सॉरी $100 बिलियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ. सॉरी. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हाउ मच अमाउंट हैज बीन स्पेंट बाई द गवर्नमेंट ऑन GST एडवर्टीजमेंट? तो GST एडवर्टीजमेंट में सरकार ने कितना रुपए खर्च किया, ये आपसे पूछा गया है. 4 ऑप्शन हमारे पास है. एंड द राइट आंसर इज,
And the right answer is, option number D, 132 crore rupees, right answer. Our next question is, the government of India has doubled the monetary limit up to this amount for filling loan recovery application in the DRT. तो अगर अगर कोई बैंक DRT में कंप्लेन करना चाहता है तो कितना अमाउंट कर दिया गया कंप्लेन का, ये आपसे पूछा गया है. यहाँ पर पांच ऑप्शन आपके पास है, क्या इसका सही आंसर होने वाला है? And the right answer is option number D, 20 lakh rupees. 20 lakh rupees सही आंसर हमारा, ठीक है? तो 20 lakh rupees याद कर लीजिएगा, ये important question भी है banking वाले बच्चों के लिए. आगे बढ़ते हैं, next question की बात करते हैं. तो how much did the cabinet approve to set up more disaster warning system in Indian coast? तो भारतीय की जो इंडिया कोस्ट है उसमें disaster warning system establish करने के लिए cabinet ने कितना amount, कितना fund allocate किया, ये आपसे पूछा गया है. And the right answer is option number B, 1623 crore. तो 1623 crore is right answer. दोस्तों आगे बढ़ेंगे और next question की बात करेंगे जो हमारे screen पर यहाँ पर आएगा. देख लीजिए, देखिए next question नहीं, हम बात कर रहे हैं दिसंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या अपडेट्स हैं, हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी आई है, जिस मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी आई थी ना दिसंबर में, तो उसके पूरे डेटा हमने दिए हैं आपको. इसके अलावा हमने आपको यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही बात करना है. देखिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और क्या क्या चेंजेस किए हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. हेडिंग ऊपर है लिस्ट ऑफ RBI अपडेटिंग इन बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंधन बैंक को अलाउ किया है, या जो भी पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए वो सारे पॉइंट हमने आपको यहां पर दिए हुए हैं. आप यहां पर देख लीजिए, आप पूरे दिसंबर की बैंकिंग फाइनेंस यहां से कवर कर सकते हैं आप, ठीक है. देखिए एक स्लाइड और आएगी जहां पर आपको हमने और भी इंफॉर्मेशन दी है पूरे दिसंबर मंथ की, जल्दी जल्दी रिविजन करने के लिए. देखिए ठीक है, चलिए तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा जो हमने आपको दी है. आइए 41 क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स की बात करेंगे. तो सिडनी एंड ब्रिस्बेन चूजन टू होस्ट $15 million 24 टीम ATP कप इन विच ईयर. आपको बताया कि एक नया टेनिस इवेंट शुरू हो रहा है ATP कप, ठीक है. तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, सिडनी और ब्रिस्बेन में, और इसमें अमाउंट की जो राशि है, अमाउंट है जीतने पर वो $15 million मिलेगी. तो ये किस ईयर में होगा, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है. सौदर्शन आप क्लैरिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, सही है. मनोवृत्ति इंसान की समझाती है कि वो कहां तक जाना चाहता है. चलिए और आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होने वाला है? एंड द आंसर इज 2020. तो 2020 इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 42nd क्वेश्चन आपके सामने. द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज सबमिटेड अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू होस्ट विच ईयर ओलंपिक. तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन से ईयर का ओलंपिक अपने देश में होस्ट करना चाहता है, ये आपसे पूछा गया है. यहां पर क्या आंसर होगा? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2032. 2032 आपको पता है 2028 तक तो लॉस एंजल्स में फिक्स है, उसके बाद 4 साल के बाद हमने इंडिया ने डिमांड की है, ठीक है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, विच टीम वॉन द 115th आगा खान कप गोल्ड कप टूर्नामेंट इन न्यू दिल्ली. तो किस टीम ने 115वां आगा खान गोल्ड कप टूर्नामेंट जीता है, जो कि एक हॉकी टूर्नामेंट है. और यहां पर फिर से आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेल हॉकी अकेडमी. तो सेल हॉकी अकेडमी ने इस बार का आगा खान गोल्ड कप टूर्नामेंट जीता है. Our next question, यहां पर देखिए, तो विच टीम वॉन द फर्स्ट एवर हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल इन ओडिशा. तो हॉकी वर्ल्ड कप में कहां पर हुआ? ओडिशा भुवनेश्वर में हुआ. तो आपसे पूछा गया है कि मतलब कि किस टीम ने ये जीता, तो आपको पता है पहली बार ऐसा हुआ है कि बेल्जियम ने जीता ये अवार्ड. तो बेल्जियम इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके सामने यहां पर देखिए. विच कंट्री विन द FIH वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी. यानी कि हम लोग हॉकी फेडरेशन की बात कर रहे हैं, तो वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप टाइटल की हम बात कर रहे हैं, किसने जीता? एंड राइट आंसर इज नीदरलैंड, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, आप यहां पर देख पा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which tennis player won the ATP World Tour Final in London recently? यहाँ पर ATP World Tour Final की बात से रही है, हारा कौन था? तो हारे थे नोवाक जोकोविक, जीता कौन था? अलेक्जेंडर ज़ेवरेव. अलेक्जेंडर ज़ेवरेव is right answer. Our next question, Which team won the 5th SAF Under 15 Championship 2018 title in Nepal? यानी 5वां SAF जो ये football tournament होता है Under 15, ये नेपाल में हुआ, किस टीम ने जीता, ये आपसे पूछा गया. And the right answer is Bangladesh. Bangladesh is right answer. Option number A is right answer. Our next question is, The Arab country which will host the 23rd edition of the World Corporate Games 2019. यानी कि कौन सा अरब देश 2019 का World Corporate Games जो है वो host करेगा, ये आपसे पूछा गया. हमारे सामने 5 ऑप्शन है और ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ. And the right answer is option number C, Qatar. Qatar is right answer. Our next question,
Who won the 2018 Formula One Driver World Championship? तो इसका आंसर आपको पता है, ये मैंने पहले भी कराया हुआ अपने शो में. And the right answer is option number. And the right answer is आपके सामने यहाँ पर आंसर आ जाएगा. आपको आंसर पता भी है इसका आंसर क्या होगा. And the right answer is Lewis Hamilton. Lewis Hamilton is right answer. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. चलिए next question की बात करते हैं आपके सामने. तो which team won 2018 विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल? तो इसमें किस टीम ने 2018 का विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल जीता है? पांच चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मुंबई. मुंबई इज राइट आंसर, जो आपको यहाँ पर आंसर पता है. जी हाँ, लेविस हैमिल्टन बिल्कुल सही. वेरी गुड, फैंटास्टिक. थकना नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हमारे पास. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट आप दिसंबर की हम दे रहे हैं. अब ये कमेंट आया था, इतना पढ़ने का समय नहीं है. आपका मन है, देख लीजिए आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. तो हॉकी वर्ल्ड कप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं. उसके बाद हमने टाटा ओपन बैडमिंटन नहीं हुआ था मुंबई में, जिसे महाराष्ट्र ओपन बोलते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको हम यहाँ पर दे दिए हैं. आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं. तो ये स्पोर्ट्स की सारी बात हम कर रहे थे. अब 51 क्वेश्चन की बात करते हैं. एक बार कमेटीज की हम बात करेंगे. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है. इस कमेटी को लीड कौन करेगा? एग्जैक्टली में एक कमेटी बनी है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सरप्लस अमाउंट होता है तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खर्च करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ, ये बात हो रही है. तो आपको बताना है कि इस कमेटी को लीड कौन करेगा, बस इतना बता दिए. राकेश मोहन जो है ये वाइस चेयरमैन है ये इस कमेटी के. चलिए आंसर दीजिए. एंड द राइट आंसर इज बिमल जलान. बिमल जलान इज राइट आंसर. आपको ये पता है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है. और पीडीएफ चाहिए होगा तो रुके रहिएगा, आपके बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा. ठीक है, और तब तक हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्रिएटेड अ 12 मेंबर कमेटी हेडेड बाई दिस पर्सन फॉर अ फ्रेश ट्रेड रिव्यू एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ठीक है, तो आपको बताना है कि सीबीडीटी ने कमेटी बनाई है 12 मेंबर की. इस कमेटी को लीड कौन करेंगे, किसके लिए? जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको फिर से रिस्ट्रक्चर रिव्यू करने के लिए उनकी पॉलिसीज को. तो क्या इसका आंसर हुआ, देख लीजिए. और आंसर आपको बताना है, वॉट इज द राइट आंसर. एंड द राइट आंसर इज, अभी आंसर नहीं आ रहे हैं. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, SK Das. SK Das कमेटी बनाई गई है, याद कर लीजिए, कमेटी पर ये क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. हमारा नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पर आने वाला है. देखिए, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल टू सेलेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी टू बी हेडेड बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो चेयरमैन. आपको इनका नाम बताना है, यानी कि जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके जो टॉप के जो मतलब पोस्ट होती है तो उसको बैंक बोर्ड ब्यूरो को दे दिया गया है. तो आपको पता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन कौन है ना, पता है? ऑप्शन नंबर डी, बीपी शर्मा. तो बीपी शर्मा इज राइट आंसर, याद कर लेंगे. हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आ चुका है. देखिए, 9 मेंबर ग्रुप हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड विथ, आपको इनका नाम बताना है, एज कन्वेनर. मतलब कि ये क्या होंगे, ये संयोजक होंगे इस कमेटी के. वही लीड मतलब हेड की बात हो गई. टू इंक्वायर एंड लिस्ट ऑन गोइंग इश्यूज विथ IL and FS. तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज इस पूरे 3-4 महीने में IL and FS काफी न्यूज में था. तो क्या इसका आंसर हो सकता है, ये आपको देखना है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 शिवाजी बी जावरे. जावरे इस राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आपके सामने देखिए, अ पार्लियामेंट्री पैनल हैज बीन फॉर्म्ड टू एग्जामिन फंक्शनिंग ऑफ रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO, इट कवरेज एंड रिकवरी ऑफ एरियर्स. इट विल बी हेडेड बाय बीजेपी MP. आपको इनका नाम बताना है, यानी EPFO के जो काम करने के तरीके हैं उसको एग्जामिन करने के लिए एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया है. इस कमेटी को लीड करेंगे बीजेपी के MP, इनका नाम क्या है, ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कीर्ति सोमिया. कीर्ति सोमिया इज राइट आंसर. आप यहां पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन में करा चुका हूं पहले भी, मुझे याद है. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आपके सामने, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री सेट अप अ 10 मेंबर पैनल टू चेक ऑन द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द ऑनलाइन रिटेलर्स. इट विल बी हेडेड बाय दिस पर्सन, जो कि सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है. तो ये भी क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, आपको याद भी होगा. अब 3-4 दिन के बाद आपके एग्जाम्स हैं, फिर NISCL के एग्जाम्स हैं, तो ये सब आप पहले ही याद होकर बैठे होंगे, आपके प्लान्स में ये सब चीजें होंगी. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, इंजेती श्रीनिवास इज राइट आंसर. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. आपके सामने, तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड फॉर्मर रिजर्व बैंक इंडिया गवर्नर, आपको इनका नाम बताना है, एज द हेड ऑफ द पैनल दैट हैज बीन टास्क विथ सेलेक्टिंग इंडियाज नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. आपको पता है कि इंडिया के नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन चुके हैं, तो इन्हीं को ढूंढने के लिए बोला गया था.
क्या इनका नाम है, आपको ये पता है इसका आंसर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बिमल जालान. विलन बिमल जालान कमेटी इज राइट आंसर. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है. चलिए आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है. देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-member कमेटी हेडेड बाई इट्स फॉर्मर जज जस्टिस, आपको इनका नाम बताना है, टू लुक इन टू द एस्पेक्ट ऑफ जेल रिफॉर्म्स अक्रॉस कंट्री. या सिंपल सी भाषा में कि जेल रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को लीड कौन करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या इसका सही आंसर होगा? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अमिताभ रॉय. अमिताभ रॉय इज राइट आंसर. अमिताभ रॉय इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. दोस्तों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने, और यहां पर सेबी की बात हो रही है. तो सेबी ने एफपीआई और एनआरआई का जो इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स हैं उसको रिलैक्स करने के लिए एक कमेटी बनाई है, और इस कमेटी को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो पूर्व थे वो लीड करेंगे, ये आपको बताना है. एफपीआई का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मतलब कि जो फॉरेन के लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे इंडिया में. फिर एनआरआई, तो क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए. यहां पर 5 ऑप्शन हमारे पास है, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, एचआर खान. एचआर खान इज राइट आंसर. सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम आगे बढ़ते हुए 68 क्वेश्चन की बात करेंगे. देखिए, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एन 8-member सर्च कमेटी टू बी हेडेड बाई फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, आपको इनका नाम बताना है, टू रिकमेंड द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन, एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन लोकपाल. तो क्या इसका आंसर होगा, यहां पर भी देख लीजिए. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रखते हैं, और हमने कोशिश की है कि आपको हम हर पॉइंट से क्वेश्चन दें. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, रंजन प्रकाश देसाई. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. पीडीएफ से एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स यहां से गेन कर सकते हैं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 61 की. और यहां पर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि 50 रुपए जो बैंक नोट है इसका साइज क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द रुपीज 50 बैंक नोट इशूड आफ्टर डी मोनेटाइजेशन. तो मतलब नए 50 रुपए नोट का साइज आपसे पूछा गया क्या है. आप हर करेंसीज के डायमेंशंस पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. इनपर इमेज क्या होती है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है. देखते हैं क्या इसका आंसर आप लोग देंगे, यहां पर देखते हैं और आंसर क्या होगा. जल्दी जल्दी दोस्तों आगे बढ़ेंगे. हाँ, तो यहां पर 50 रुपए के नोट की बात हो रही है, इसका डायमेंशन क्या है देख लीजिए. और यहां पर सोनारविंद ने पहला आंसर दिया है, आनंद ने दूसरा आंसर दिया है. 1454 कहां है जी ऑप्शन में, अच्छा गलती हो गई होगी. एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 66 × 135 mm, ठीक है. तो ये आपने देख लिया. यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने. रुपीज 200 बैंक नोट हैज अ मोटिफ ऑफ, क्या 200 रुपए का जो नया नोट है उस पर किसकी इमेज है, ये आपको बतानी है. क्या इसका आंसर होगा, कंप्यूटर जी क्या आपको पता है आपको? हाँ मुझे पता था, इनको नहीं पता होगा. चलिए आप बताइए आप लोग क्या इसका आंसर होगा. देखते हैं यहाँ पर 200 रुपए के बैंक नोट पर क्या इमेज होती है. अच्छा नेहा बोल रही है थोड़ा स्पीड स्लो, ठीक है बेटा स्पीड थोड़ा स्लो कर देते हैं और आंसर दे. क्या इसका आंसर होगा, यहाँ पे साची स्तूप बोल रहे हैं बच्चे और रानी की वाव बोल रहे हैं. क्या इसका आंसर होगा, रानी की वाव आंसर ज्यादा आ रहा है. एंड द आंसर इज साची स्तूप. साची स्तूप इज राइट आंसर. याद कर लो भैया, जिनका भी एग्जाम में याद कर लो, मत ऐसा करो तुम लोग, अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जरूर, याद कर लो सारी बातें. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. यहाँ पर देखिए, तो व्हाट डस एनसीएलटी स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी कोड, आपको एनसीएलटी का फुल फॉर्म बताना है. लास्ट ईयर भी आपके क्लेरिकल मेंस में क्वेश्चन आया था एनसीएलटी का फुल फॉर्म, ये मैं कई बार आपको करा चुका हूं. अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो उसका दो ही रीजन होगा, या तो आप वाकई सीरियसली क्लास नहीं लेते या फिर आप नए हैं मेरे शो में. क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए, और आंसर क्या होगा इसका, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. गाइस आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारे स्क्रीन पर यहां पर आ चुका. देखिए, तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिफॉल्ट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट डेप्टर अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, मतलब अगर कॉर्पोरेट की हम बात करें तो कम से कम कितना अमाउंट लोन का होना चाहिए जो बकाया था अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं. लेकिन यहां पर किसी नॉर्मल इंसान की बात नहीं हो रही, यहां पर कॉर्पोरेट की बात हो रही है. तो कॉर्पोरेट के लिए अमाउंट की लिमिट क्या है, ये आपसे पूछी गई है और आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए. हाँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल खत्म हो गया, अब इस क्वेश्चन की बात कर लें जल्दी से. और यहां पर सुमित बोल रहे हैं 3 लाख रुपए, ओमकार बोल रहे हैं 1 लाख रुपीज, एंड द राइट आंसर इज, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आपने यहां पर देख लिया होगा. दोस्तों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने यहां पर आ चुका. देखिए,
Which of the following is the helpline number to address consumer queries on digital payment? तो डिजिटल पेमेंट के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या रखी गई है जो कि कंज्यूमर की कंप्लेन को हैंडल करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर. एंड द राइट आंसर इज, यहाँ पर पांच ऑप्शन है, क्या इसका आंसर होगा? एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1444. तो 1444 इज द राइट आंसर, याद करना है आपको. हम आगे बढ़े और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. और गाइज, अगर आपको हमारा एफर्ट्स अच्छा लगा तो हमारे वीडियोज को लाइक जरूर करें. आपके वीडियोज से ही हमें फीडबैक मालूम चलता है, लाइक से, कि आपको वीडियोज पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ही हम उसे कंटिन्यू रखते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. When there is a risk of loss resulting from inadequate or failed internal process, people and system or from external event, it is called. तो देखिए, आप एक बात समझिएगा कि आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है. When there is a risk of loss resulting from inadequate or failed internal process, जहाँ से कॉमा लगा है वहाँ से मत पढ़िएगा, वो लाइन गलत आ गई यहाँ पर. इंटरनल प्रोसेस की बात हुई है, क्या इसका आंसर होगा, बस आपको ये देखना है. तो जब भी इंटरनल प्रोसेस होता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ऑपरेशनल रिस्क इज राइट आंसर. ठीक, तो ऑपरेशनल रिस्क याद कर लेंगे. हम आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं. व्हेन देयर इज अ फाइनेंशियल लॉस टू बैंक अराइजिंग फ्रॉम लीगल सूट्स फिल्ड अगेंस्ट द बैंक और बाई अ बैंक फॉर अप्लाइंग अ लॉ रॉन्गली, इट इज कॉल्ड. तो देख लीजिए, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको कि किसी बंदे ने बैंक के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया है या बैंक ने कुछ गलती कर दी है लीगली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा रिस्क बोलते हैं. एंड द आंसर इज आंसर बहुत जल्दी आपके सामने यहाँ पर आने वाला है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लीगल रिस्क इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सीवीवी स्टैंड फॉर. तो सीवीवी का फुल फॉर्म क्या है, जो आपके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में पीछे होता है, मेरे ख्याल से ये सब बच्चे जानते होंगे और हमारे कंप्यूटर जी और सब लोग जानते होंगे सीवी का फुल फॉर्म क्या है. नहीं जानते हैं, अज्ञानी है थोड़े से कंप्यूटर. चलिए, क्या इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पर. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. हाँ, वेरी गुड बेटा. चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन पीपीआई एमटीएस. आपको बताना है पीपीआई एमटीएस में एम का मतलब क्या होता है. देख लीजिए यहाँ पर क्या इसका आंसर होने वाला है. पीपीआई का मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और एमटीएस का मतलब, एम का मतलब बताना है आपको क्या इसका आंसर होगा. देखिए क्या इसका आंसर होगा, देख लेते हैं एक बार. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मास. तो मास ट्रांजिट की बात हो रही है, मास ट्रांजिट सिस्टम. पीपीआई का मतलब बेटा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट. जैसे आपके पास नहीं गिफ्ट कार्ड वार्ड होते हैं, रक्षाबंधन आता है तो सर बैंक अपना एक एडवर्टीजमेंट निकालते रहते हैं. ठीक है, तो मास ट्रांजिट की बात हो रही है. ठीक है, मोबाइल नहीं है बेटा, गलत कर दोगे. चलो आगे बढ़े एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आपके सामने यहाँ पर आ चुका, देखिए. आरबीआई हैज दिस राइट टू इशू बैंक नोट अंडर विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में करेंसी इशू करता है किस एक्ट के थ्रू, मतलब आरबीआई एक्ट 1934 के किस सेक्शन के थ्रू, ये आपसे पूछा गया है. और ये काफी सिंपल क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होने वाला है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 22 इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. हाँ सही है, 22 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारे सामने, कस्टमर इज डिफाइन अंडर विच एक्ट. कस्टमर को किस एक्ट में डिफाइन किया गया है, ये आपसे पूछा गया है. यहाँ पर पांच ऑप्शन है. तो कस्टमर हैज बीन डिफाइंड अंडर विच एक्ट, एंड द एक्ट इज ऑप्शन नंबर सी, पीएमएलए एक्ट, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. देखिए, वाकई में कस्टमर को दो जगह पर डिफाइन किया गया है. एक डिफाइन किया गया है केवाईसी नॉर्म्स में और एक डिफाइन किया गया है आपके पीएमएलए एक्ट में. तो अगर यहां पर ऑप्शन में पीएमएलए ना होता और केवाईसी होता तो केवाईसी भी हमारा सही आंसर हो जाता. लेकिन अगर एक्ट पूछा गया है और पीएमएलए ऑप्शन में है तो यह बेस्ट आंसर होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए. Where is the headquarter of Suryodaya Small Finance Bank? Suryodaya Small Finance Bank का headquarter कहाँ पे है? ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका answer देना है. What is the right answer? और PDF चाहिए तो हमारे साथ बने रहें last तक और हम आपको PDF देंगे इस पे जरूर. ठीक? And the right answer is option number C, Mumbai. Mumbai is right answer. यहाँ पर आप देख सकते हैं. चलिए, मुंबई सही आंसर है. हम आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो अगर आपने अभी तक स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, फॉरेन के बैंक, प्राइवेट बैंक एंड गवर्नमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स टैगलाइंस याद नहीं किए हैं तो आप एक नंबर मिस करने वाले हैं एग्जाम में, याद रखिएगा इस चीज को. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जयपुर. जयपुर इज राइट आंसर. हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा?
NACH has been launched with an aim to consolidate multiple system running across the country. NACH, National Automated Clearing House की बात कर रहे हैं. अब National Automated Clearing House की अगर हम बात करते हैं तो National Automated Clearing House किस पे वर्क कर, मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है? ECS होता है या APB होता है या NEFT या RTGS या UPI? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तो अगर आपने चेक वेक पढ़ा होगा तो शायद मे भी मैंने आपको उसके बारे में कुछ बताया हो, और जो मेरे पेड बैच के बच्चे हैं वो तो हमें सही देंगे आंसर. And the right answer is option number A, ECS, Electronic Clearing System. Electronic Clearing System is right answer. नहीं बेटा, UPI नहीं है ये, ECS. NACH के अंतर्गत ECS सारे होते हैं, ठीक है. चलिए, अगर किसी को क्लियर भी ना हो तो अभी के लिए रट्टा मार लीजिए, आपके एग्जाम में अगर आएगा NACH और ECS तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है. और समझाने का टाइम हमारे पास नहीं है बेटा अभी. हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इज अ हाउ मैनी डिजिट्स नंबर. आपको ये पता है, मैंने कई बार पढ़ा दिया है आपको, अब तो रट गया होगा. तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर MMID फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, याद करना. इट्स अ 7-डिजिट न्यूमेरिकल कोड. 7-डिजिट इज राइट आंसर. दोस्तों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. यहाँ पर 76 क्वेश्चन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज फॉर द रिक्वेस्टिंग मनी इन UPI. तो अगर फॉर एग्जाम्पल UPI के थ्रू आप पैसा लेते हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपसे पूछा गया. अगर आप पैसा देते हो तो भी क्या बोलेंगे, वो भी पता होना चाहिए आपको. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पुल. आप पैसा ले रहे हो ना, और अगर आप पैसा देते हो, फंड ट्रांसफर करते हो तो पुश होता है, ठीक है. पुल एंड पुश, याद कर लीजिएगा इसे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने. तो वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट दैट अ UPI पिन कैन हैव. तो UPI पिन में कितने डिजिट हो सकते हैं. तो बेटा देखो, यहां पे पूछा है मैक्सिमम पूछा है, तो मिनिमम 4 हो सकते हैं और मैक्सिमम 6 हो सकते हैं. तो आंसर क्या होगा, आंसर 6 हो जाएगा, या 4-6 भी कभी कभी ऑप्शन में होता है. तो मिनिमम 4, मैक्सिमम 6 UPI पिन होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ें और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. 78 क्वेश्चन. एज पर द गाइडलाइंस ऑफ RBI एट लीस्ट हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैंकिंग आउटलेट ओपन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर शुड बी ओपन्ड इन अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स. तो अगर आप एक बैंक हैं और आप चाहते हैं अपना बैंक ओपन, अगर आप एक बैंक खोलना चाहते हैं, आप कंपनी हो और आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस की डिमांड करो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि आपकी एटलीस्ट 25% ब्रांच गांव में होनी चाहिए. आंसर क्या होगा, 25% इज राइट आंसर, यहां पे देख लीजिए, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपके सामने. 79 क्वेश्चन. वॉट इज द एप्लीकेबल लिमिट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी लोन्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर. तो अगर प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें तो इसमें एक सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, ये आपसे पूछा गया. हम एजुकेशन की बात कर चुके हैं, हम होम लोन की बात कर चुके हैं, हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, याद करो. और आज हमने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की है, अक्षय ऊर्जा, मतलब सोलर पावर, विंड पावर. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 करोड़. 15 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है, याद रखिएगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपके सामने. What does L stand for in NDTL? बहुत सिंपल क्वेश्चन. NDTL फुल फॉर्म क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी. नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, आंसर क्या होगा, लाइबिलिटी. तो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी इज राइट आंसर गाइस. आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके सामने यहां पर आ चुका. देखिए, Who publishes the Human Development Index? तो Human Development Index जो एक रिपोर्ट है जो हर साल आती है इंडेक्सेस, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हर साल पब्लिश करता है? It is very very important question for any examination. And the right answer is option number 1, United Nations Development Program, जिसे शॉर्ट में हम UNDP बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक. चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 82nd क्वेश्चन. द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज बेस्ड ऑन, मतलब ECGC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया. मतलब देखो, स्टैटिक के पॉइंट शुरू हो चुके हैं, स्टैटिक क्वेश्चन, स्टैटिक जेएम कर रहे हैं. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुंबई. तो ECGC का हेडक्वार्टर मुंबई में है. आइए आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने. द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज सिचुएटेड, यानी वाडा का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आपसे पूछा गया है. क्या आपको याद है कि नहीं, अपने आप को जज भी करते चलिए, आपके 4 दिन बाद एग्जाम है. अगर यही क्वेश्चन आता तो क्या आप कर पाते, देख लीजिए. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मॉन्ट्रियल कैनेडा. मॉन्ट्रियल कैनेडा इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वडोदरा इन गुजरात इज लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ विच रिवर. तो गुजरात का जो वडोदरा शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर आपको देना है. वॉट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विश्वामित्री. विश्वामित्री इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
लुआंडा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो किस देश की कैपिटल है लुआंडा, ये आपसे पूछा गया है. यानी कैपिटल करेंसी तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है आपके एग्जाम के लिए. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अंगोला. अंगोला इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिसोन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द गिवन स्टेट. बिसोन नेशनल पार्क किस स्टेट में है, ये आपसे पूछा गया. क्या आपको याद है कि नहीं, देख लीजिए. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपके सामने, इसका आंसर डी होगा. मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ, आंसर है त्रिपुरा. त्रिपुरा इज राइट आंसर, देख लीजिए यहाँ पर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने. द कोयना डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट. कोयना डैम कोयना रिवर पर बना है और स्टेट क्या है इसका, स्टेट है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज राइट आंसर, आपने यहाँ पर देख लिया. आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन, द ब्रेबोर्न स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी. ब्रेबोर्न स्टेडियम किस शहर में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, मुंबई. मुंबई इज राइट आंसर, यहां पर आपको दिख रहा है. हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपके सामने. देखिए, ट्रस्टेड फैमिली बैंक इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक. तो ट्रस्टेड फैमिली बैंक जो है वो किस बैंक की टैगलाइन है, ये आपसे पूछी गई है और आपको इसका आंसर करना है. व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, देना बैंक. देना बैंक इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट. विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिहार. बिहार इज राइट आंसर. विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, अगर वाल्मीकि नेशनल पार्क होता वाल्मीकि तो ये भी कहां पे है, बिहार में ही है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, When is the World Television Day observed? तो World Television Day किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है. जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप रुकेंगे तो आपको मैं PDF दूंगा, तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है, PDF आपको मिल जाएगा. एंड द राइट आंसर इज 21 नवंबर. 21 नवंबर इज राइट आंसर. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों. आगे बढ़े और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हमारे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है. देखिए, वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट. तो वुलर लेक जो है वो किस स्टेट में है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है. मतलब झील, अगर हम कैरिकल की बात करें, देखिए तो झील वील से क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज 50 क्वेश्चन देने हैं उनको, तो वो क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, तो आपको इसे पढ़ना होगा. ठीक है, और क्या इसका आंसर होगा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर इज राइट आंसर. दोस्तों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द किगली वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. किगली वाटरफॉल जो है वो किस स्टेट में है. वाटरफॉल को लेकर परेशान मत होइएगा, ये क्वेश्चन शायद ये मतलब आपको नहीं पढ़ना है, वाटरफॉल एग्जाम में नहीं आते हैं बेसिकली आपके एग्जाम में. तो वैसे इसका आंसर क्या, मैं दिखा दे रहा हूं, एंड द आंसर इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री. निकोसिया किस देश की राजधानी है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर होने वाला है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साइप्रस. साइप्रस इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर वेबंदन लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट. तो वेबंदन जो लेक है वो किस झील में है, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है. एंड द राइट आंसर इज केरला. केरला इज राइट आंसर. इट इज इंपॉर्टेंट लेक, इसलिए क्वेश्चन यहां पर है. हम आगे बढ़ते हुए आपसे डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे. तो डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोल लीजिए या पंजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलिए, बात देखी है. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गोवा. गोवा इज राइट आंसर. डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. यहां पर देखिए, व्हाट इज द करेंसी ऑफ वियतनाम. वियतनाम की करेंसी क्या है, ये आपसे पूछ ली गई है और आपको इसका आंसर देना है. वियतनाम की करेंसी क्या है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डोंग. डोंग इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिंस्क इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री. मिंस्क किस देश की राजधानी है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है. व्हाट इज द राइट आंसर, देख लीजिए, सब कुछ रिवाइज करना है आपको. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बेलारूस. बेलारूस इज राइट आंसर. दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट इज लोकेटेड एट. तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आपसे पूछा गया. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पेरिस. पेरिस फ्रांस इज राइट आंसर. और आज का हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन बचा होगा, 100 क्वेश्चन. द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज इशूड बाई. तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जो रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है, ये आपसे पूछ लिया गया है और आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर है, एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक इज राइट आंसर. तो दोस्तों यहां पर हमारा काम पूरा होता है और आपको PDF मैं यहां पर दे देता हूं. तो PDF को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां पर कमेंट में मैं कॉन्टिन्यूस दे रहा हूं. गाइज, अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे आपसे शाम को 5 बजे, और 5 बजे इवनिंग में फिर से हम ऐसे ही 100 क्वेश्चन लेके आपके लिए आएंगे और आपको मतलब इसे फिर से करना है.
ठीक है, अगर कोई सजेशन आपको देना है तो आप सजेशन दे सकते हैं, हालांकि टाइम हमारे पास कम है, तो जितना हमें जल्दी जल्दी मिल जाए उतना हमारी लक्ष्य है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग, और कल मॉर्निंग में 7:30 पे आपको आना है और वहां भी आके धमाल मचाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे 7:30 पे, तब तक के लिए खूब पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिएगा, मौसम थोड़ा सा ठंडी ठंडी है उधर पे, और 7:30 मिलते हैं, उसके बाद मिलेंगे शाम को 4 o'clock पर एंड 5 o'clock पे। 5 o'clock पे आपको आना है बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, वरना 4 o'clock पर हम शुरू कर रहे हैं अपना सेशन CBT 2 के लिए, और आपका जो ये जो RRBJEE का एग्जाम है उसके लिए कर रहे हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए गाइस, तो मैंने आपको यहाँ पर PDF दे दिया है, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं।